भाई चढ़ ऊपर देख, शायद से रास्ता मिल जाए यार। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एडवेंचर करने वाले एक ऑसम ट्रैक पैफोर्ट पे, जो कि हम सचिववाड़ी से होके जाएंगे। ओल्डेस्ट रूट यूज़ करेंगे जो आदिवासी लोग यूज़ करते थे, और सचिववाड़ी के जितने भी विलेजेस हैं वो उसी रूट से पैफोर्ट को जाते हैं। सो लेट्स गो, बहुत कुछ एडवेंचर होने वाला है। सो बी विथ मी। तो गाइज, फाइनली हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है अपनी पैफोर्ट की, जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। सो इसका जो रूट है गांव के अंदर से होके जाता है। सो आप लोकल से थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिएगा, सो आपको वो गाइड कर देंगे। सो गाइज, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट रूट नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। सो आपको केयरफुल होके आगे चढ़ना पड़ेगा। केयरफुल मेरे को तो नहीं लग रहा, वो पानी के वातावरण से जाते थे। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कैसे आपको चढ़ना है, कैसे क्या करना है। सो अगर आपको पॉसिबल हो तो फिर लोकल गाइड लेके आइए यहाँ से, उसको आप लेके आएंगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। अपना हमारा सेकेंड टाइम था, हम लोग ने सोचा था कि हम विजिट करेंगे पैफोर्ट। सो ये रीज़न था जिसकी वजह से पिछली बार हमें एंट्री नहीं दी गई। सो वो काफ़ी अच्छा था कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, नहीं तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि यहाँ का जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और प्रॉपर रूट नहीं है इसके लिए। तो हम यहाँ पे जितने भी लोकल्स मिल रहे हैं आजू बाजू, उनसे पूछ पूछ के जा रहे हैं। यस, बट आपको एडवेंचर चाहिए तो ये एज यूजुअल एडवेंचरस तो बहुत है। आवाज सुन पा रहे हैं आप पानियों की? ये है दीपक, जो आज हमारे साथ ट्रैक करने के लिए आया है और वो फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा है। से हाय। हाय ब्रो, मदरफकर।
सो आप ग्लूकोज की बॉटल और वाटर बॉटल जरूर कैरी कीजिएगा, खास करके अगर आप टफ फूड का ट्रैक कर रहे हो तो। ये जो ट्रैक है ये मुझे अपने फर्स्ट ट्रैक की याद दिला रही है, जब मैं अपना फर्स्ट ट्रैक कर रहा था वो पालघर में था, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, और आदिवासी विलेज के अंदर था। सो ये सेम फील मुझे यहाँ पे भी आ रहा है, इसकी चढ़ान भी वैसी ही है। अभी हमने जर्नी स्टार्ट ही की थी कि हम थक गए, अब देख ही सकते हो मेरा चेहरा। एनीवेज आज हम जल्दी स्टार्ट किए ट्रैक, तो मे बी शायद ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने ट्रैक 8 बजे स्टार्ट कर दिया, सो हम जल्दी नीचे भी उतर जाएंगे। तो गाइज हम खड़े यहाँ पे और हमारा पॉइंट जो है वो है, सो अभी काफी ऊंचा है, लेट्स गो, धीरे धीरे कदम बढ़ाते। तो गाइज अगर आप बिगनियर हो और फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पैफोर्ट आइए, और मानसून में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप समर वेकेशंस में भी आ सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रैक है, जो रास्ता है वो काफी अच्छा है, पेड़ों से घर क्या बोलते हैं उसे, पेड़ों से घिरा हुआ है, तो आप आराम से आ सकते हो, आपको धूप लगने की बहुत कम चांसेस है, सो आप आराम से हॉल्ट ले लेके आपकी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो, सो कोई इशू नहीं है। इफ अगर मानसून में आना है तो प्लीज आप 1-2 फुट पहले करके आइए, देन ओनली आप बैक फुट के बारे में सोचिए। भाई चढ़ ऊपर देख, शायद से रास्ता मिल जाए। यार मिला क्या कुछ? अरे यार बहुत बुरा हुआ हमारे साथ आज, आज हमारे साथ हम हमारा रास्ता भूल चुके हैं, पैफोर्ट जा नहीं पाए। काफ़ी ट्राई किया हमने, चढ़ने की कोशिश की अलग अलग रास्तों पे, लेकिन हमें लोकेशन मिला नहीं, इसलिए हम वापस रिटर्न जा रहे हैं। ओए ए ब्रो, कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम आके? अरे माँ चुदी पर ही है, चंदक बता रहे हो करे। चलिए मंजिल तक पहुँच नहीं पाए, मंजिल तक पहुँच नहीं पाए। हमारा पॉइंट देखिए वहाँ पे है, काफ़ी ट्राई किया हमने बट बारिश थी, रास्ता बंद था, पुलिस वगैरह भी थी, परमिशन नहीं था, सो उसकी वजह से हम नहीं जा पाए, और अभी पेड़ पौधों की वजह से रास्ते भी छुप चुके हैं, जिसकी वजह से हमने अपना रास्ता खो दिया। गाइस हमने डिसाइड किया कि अभी हम यहाँ के डैम को विजिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम वो पैफोर्ट जाएंगे, कैसे भी करके जाएंगे, गाइड लेके जाएंगे, जो हो सका वो करके जाएंगे। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।